हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन बाय सोनिया में। तो यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने, 71 प्रिंट में ये फैब्रिक है। तो इसमें हम लॉन्ग श्रग बनाएंगे काफ़ी इजी मेथड से। तो आइए सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले लंबाई में फ़ोल्ड करके और इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेना है हमें। पहले लंबाई में फ़ोल्ड कीजिएगा और फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसकी लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसे 2.5 मीटर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मीटर है। तो कपड़ों को बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे तीरे के लिए मैं निशान लगा लूँगी। तो 7 इंच का यहाँ पे तीरा लूँगी। 7 इंच आप तीरा ले लीजिएगा। फिर 7 इंच का ही यहाँ पे आर्म होल में लूँगी और निशान लगा लूँगी इस तरह से। आप अपने आर्म होल और तीरा अपने शोल्डर के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 38 इंच चेस्ट के हिसाब से बनाया है तो मैंने 7 इंच इसमें लिया है। यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। चेस्ट का 1/4 भाग लेंगे। यहाँ पे मुझे 9.5 इंच पर निशान लगाना होता है, लेकिन इसे ये श्रग है, इसे लूज़ फिट में बनाया जाता है तो इसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पे 1 इंच के 1 इंच का मार्जिन मैं रखूँगी। सिर्फ 1 इंच का ही आप भी मार्जिन रखिएगा। अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो उसकी फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं आती है, तो आप 1 इंच का मार्जिन रख सकते हैं यहाँ पर। और फिर दूसरा निशान यहाँ पे वेस्ट के लिए लगाएंगे। तो वेस्ट यहाँ पे 32 इंच है, यहाँ पर भी हम इसका 8 इंच लेकर इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लूज़ फिट बनाना है इसे तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों निशान मेरे कंप्लीट हो गए हैं, चेस्ट का और वेस्ट का। आपको भी इसी तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना है और 2 ही निशान इसमें लगते हैं, सिर्फ चेस्ट का और वेस्ट का निशान यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें श्रग बनाने के लिए। और मैंने दोनों निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। आर्म होल को गोलाई आप दे लीजिएगा साथ के साथ। और इस तरह से देखिए ये निशान जो हमने वेस्ट का निशान लगाया है, वहाँ से लेकर नीचे आपको जितनी लेंथ आप रखना चाहते हैं अपने श्रग की वो आप मेजर कर लीजिएगा। यहाँ पे लेंथ मैं पूरी रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मीटर का फैब्रिक था। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ वो 19 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे जितना आप रखना चाहें वैसे 19 इंच इनफ है, तो आप यहाँ पे 19 इंच रख लीजिएगा। 18 भी रख सकते हैं, अगर आप पतले हैं तो आप 18 भी रख सकते हैं। और कमर के निशान से लेकर और नीचे तक आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है पूरा इस तरह से। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप। वेस्ट से इंची टेप रखिए और नीचे की तरफ जहाँ पे आपने 19 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक बार मैं इसे दिखा देती हूँ आपको किस तरह से मैं निशान लगाया है। इस तरह से देखिए मैंने लगाया है, वेस्ट से लेकर नीचे तक निशान लगा लिया है। आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा। यहाँ पर 2.5 इंच 2 या 2.5 इंच का आप नीचे जो है गोलाई ले लीजिएगा और इससे इस तरह से गोलाई कर दीजिएगा ताकि इसके कोने ना निकले और नीचे से शेप अच्छी आ जाए। तो इस तरह से आप 2.5 इंच पे मैंने की है, इस तरह से आप भी इसमें गोलाई कर लीजिएगा। ये श्रग 2 तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्लिट इसकी स्लिट जो है ओपन रख सकते हैं। अगर आप स्कर्ट के साथ पहनने के लिए बनाएंगे तो आप इसे स्लिट वाला बना सकते हैं, मतलब जैसे चाक मोड़ते हैं उस तरह से बना सकते हैं। और अगर आप कुर्ती के साथ इसको पहनना चाहते हैं या जीन्स वगैरह के साथ पहनना चाहते हैं इंडो वेस्टर्न लुक के लिए, तो आप इसको जो है नीचे तक पूरी सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्टों की कटिंग कर ली थी और अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट बाहर निकाल दिया है और अब पीछे बैक पार्ट की हम क्या करेंगे, नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 2.5 से 3 इंच आप इसकी लंबाई ले सकते हैं क्योंकि जो छोटा गला ही बनेगा इसमें तभी इसमें रेडीमेड वाला लुक आएगा। तो आप भी इसे 2.5 से 3 इंच इसकी विड्थ का नेक यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रंट पार्ट लेना है और इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आर्म होल आप अंदर की तरफ इसका फ्रंट पार्ट में 1 से 1.5 इंच तक इसका अंदर की तरफ कट कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें स्लीव्स अटैच कर रहे हैं, क्योंकि कट स्लीव की कुर्ती के साथ हम इसे पेयर करने वाले हैं। बीच में से जो इसका फ्रंट पार्ट होगा बीच में से आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा और इस तरह से दोनों भागों में हमने एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिया है कपड़ा, इसमें से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कर लिया है। अब जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे, तो आगे मैं आपको स्लीव्स कट भी बताऊँगी।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है जो आर्म होल की तरफ से कपड़ा बचा था ये ज़्यादा है, यहाँ पे इसमें जोड़ आएगा एक थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से पहले आप 10 या 10.5 इंच पर निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको जोड़ के लिए भी 1/2 इंच कपड़ा दोनों साइड से चाहिएगा। तो आप इसमें इस तरह से लगा लीजिएगा और इसमें 3 या 3.5 इंच जो है नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे लंबाई मैंने बाजू की 21 इंच ली है, बनने के बाद ये 20 इंच मुझे तैयार मिलेगी। गोलाई यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट मिलाते हुए आप कुर्ती स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। काफ़ी इजी मेथड मैंने शेयर किया है, बिगनर्स भी इसे काफ़ी इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये गोलाई जो दे दी है स्लीव्स की, और अब मैं इसे कट कर लूँगी। देखिए गाइस, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको कटिंग से रिलेटेड और स्टिचिंग पैटर्न से रिलेटेड मिल जाएंगी, और साथ ही मीशो हॉल वगैरह भी मैं करती रहती हूँ, नायका हॉल वगैरह भी करती रहती हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैक नेक को मैंने एक पट्टी से फिनिश कर लिया है, ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ इस तरह से। और अब हम आगे का हिस्सा जो है, जो मैंने बताया था आपको, इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा आगे का हिस्सा था, इस तरह से देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और आपके साथ शेयर भी कर दिया है, और नीचे से भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसे फोल्ड कर दिया है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट पास पार्ट जो है हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब हमें आगे इसका नेक बनाना है। तो यहाँ पे ये बाजू भी मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है, और इस तरह से मैंने बाजू को भी आगे से भी जो है इसका फोल्ड कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये मैंने एक और पट्टी ले ली है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने वी नेक इसमें रखा है आगे जो है। आप किसी भी तरह से नेक बना सकते हैं, कितना लंबा रखना है, कितना चौड़ा रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच का लंबाई ली है इसकी, और 3 इंच इसकी गोलाई ली है। तो इस तरह से देखिए पट्टी मैंने इसमें अटैच कर दी है, और आर्म होल को इसमें जोड़ लिया है इस तरह से, और दोनों आर्म होल जोड़ लिया है। और अब यहाँ पे मैं बाजू इसमें अटैच करने वाली हूँ, तो अभी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गले पे जो मैंने पट्टी लगाई थी, इस पर मैंने एक डोरी भी ऐड की है आगे, छोटी डोरी लगाई है, जिससे कि अगर आपको आगे से इसे टक करना हो, बांधना हो, तो आप इसे ईजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे और पट्टी की सहायता से ही मैंने नेक को फिनिश किया है, मैंने कोई बुकरम का यूज़ इसमें नहीं किया है। आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है ये, और परेश होने के बाद ये काफ़ी अच्छा फिट बैठ जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने पट्टी को अंदर की तरफ, डोरी को अंदर की तरफ पट्टी में दबाते हुए लगा लिया है, और इस तरह से, और ये श्रग जो है मेरा बनकर रेडी हो गया है। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहे तो इसकी स्लिट पे, जैसे हम सूट में चाक मोड़ते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे पूरा सिलाई लगाया है और इसमें बाजू भी अटैच कर दी है। ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है जिसे मैं सूट बनाऊँगी।